श्री राधे, हर हर महादेव। होली के पवित्र त्यौहार की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। 24 मार्च होली का शुभ पर्व आप सभी के जीवन में अनंत खुशियां के मार्ग प्रबल करे। होली पर हम आपके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हैं। होली के दिन यदि हम राधा कृष्ण को गुलाबी गुलाल अर्पित करते हैं तो हमारे जीवन में राधा कृष्ण के आशीष की बरसात होती है। ऐसे ही कुछ विशेष उपाय लेकर आज आपके सामने उपस्थित हैं। पूरे ध्यान से सुनिए और उन उपायों में से यदि आप एक भी करते हैं तो भोलेनाथ आपके जीवन को खुशियों से भर देंगे। होली के दिन आप भोलेनाथ के शिवलिंग पर होलिका दहन की राख एक लोटे में मिलाकर अवश्य अभिषेक कीजिए। इससे आपके जीवन की सभी दुख दूर हो जाएंगे। होलिका दहन के दिन नीम की 10 पत्तियां, 6 लौंग, थोड़ा सा कपूर का टुकड़ा लें और अपने ऊपर से आप 5 या 7 बार उतार कर होलिका की अग्नि में डाल दें। मान्यता है कि ऐसा करने से आपको स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होगा और आप अपने जीवन की सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए यदि अथक प्रयास करते हैं तो इस वर्ष चूकना नहीं। होलिका दहन के दिन अग्नि में जौ या आपको चावल जो भी मिले उन्हें अर्पित जरूर करना। ऐसा करने से माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और जीवन में धन धान्य की कोई भी कमी नहीं आएगी, पर करिएगा पूर्ण विश्वास के साथ। इसी के साथ यदि आप व्यापारी वर्ग या कारोबारी वर्ग से हैं, व्यवसाय में तरक्की चाहते हैं तो होलिका दहन वाले दिन गेहूं की 3 बाली और अलसी जिसे हम सीड्स में हम खाने के साथ यूज़ करते हैं उसकी 6 बालियां लेकर होलिका दहन की अग्नि में अवश्य छोड़ें और उसके बाद इनकी अधजली बालियों को लेकर एक लाल रंग के कपड़े में लपेट कर अपने व्यापार स्थान पर रखें। ऐसा करने से आपको अद्भुत तरक्की प्राप्त होगी। और इसी के साथ यदि आप काफ़ी समय से आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, आपको पैसे को लेकर बहुत समस्या हो रही है तो आप होलिका दहन के दिन गन्ने को होलिका की अग्नि में दिखाएं। उसके बाद घर के दक्षिण पश्चिम दिशा में दिशा का ज्ञान आप फ़ोन में कंपास के द्वारा भी कर सकते हैं यदि किसी प्रकार से कन्फ्यूज़न हो तो घर की दक्षिण पश्चिम दिशा में इसे खड़ा करके रख दें। मान्यता है कि ऐसा करने से घर परिवार की आर्थिक स्थिति अत्यंत मजबूत होती है। और अंत में एक विशेष उपाय, यदि आपके घर में बहुत अधिक नकारात्मक ऊर्जा है, आप बहुत परेशान रहते हैं कि कुछ न कुछ लगा ही रहता है, कहीं बीमारी, कहीं कष्ट, कहीं बच्चे को, कहीं बड़े को, तो आप यह उपाय अवश्य करें। होलिका दहन की राख, उसी के साथ पीली राई और खड़ा नमक एक लाल कपड़े में पोटली में बांध लें और उसके पश्चात उस राख को धीरे धीरे पूरे घर में हल्का हल्का छिड़क दें। छिड़कने के बाद आपको करना क्या है, जो पोटली है उसे अपने घर के किसी ऐसे स्थान पर संभाल कर रख दें और पूरे वर्ष रखा रहने दें। आप देखेंगे कि आपके घर में रोग समाप्त होंगे और संपन्नता में वृद्धि होगी। महादेव आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। राधा कृष्ण का आशीर्वाद बना रहे। और इसी कामना के साथ मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। श्री राधे, हर हर महादेव।